हिंदी में हम लोग पाचन तंत्र बोलते हैं। डाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं, है ना। और सिंपल सी भाषा में अगर हम आपसे पूछें कि बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो एक बात आप समझेंगे सिंपल भाषा में कि जो जो भी कुछ फूड पार्टिकल हम लेते हैं, चाहे वो ड्राई फूड पार्टिकल हो या लिक्विड फूड पार्टिकल हो या फिर आपका वेज हो या फिर नॉन वेज हो, जैसे ही हम माउथ में लेते हैं और जैसे ही उसको हम चेविंग प्रोसेस के द्वारा छोटे छोटे पार्टों में जब हम तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो वहीं से हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है और उसी प्रोसेस को जो है सो हम लोग डाइजेशन बोलते हैं, है ना। अब अगर बात किया जाए तो अगर हमारी डाइजेशन जो है सो माउथ से शुरू होता है, ठीक है, तो क्या सारी डाइजेशन यानी 100% का डाइजेशन जो है वो माउथ में हो जाता है? बिल्कुल नहीं। ओनली जो है सो आपका खास करके 4 से 5% का जो डाइजेशन होता है वह आपका माउथ में होता है। तो अब आगे क्वेश्चन ये है कि बाकी का जो रेस्ट 95% का जो डाइजेशन है वह कहाँ होता है ना। तो अब हम बात करें तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे पार्ट हैं जो हम कुछ डायग्राम में यहाँ पर दिखाए हुए हैं। जैसे अगर यहाँ माउथ के बाद हम बात करें तो ओसोफेगस है, अगर यहाँ बात करें तो कार्डियक है, अगर यहाँ बात करें तो स्टोमक है, यहाँ पे बात करें तो पाइलोरिक है, इस हिस्से को अगर बात की जाए तो लीवर है, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये पैनक्रियाज है। इसके बाद यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो बाकी जो 95% जो बचा वो सभी के सभी डाइजेशन जो है वो आपका इन्हीं हिस्सों में होता है ना। लेकिन एक बात बताओ कि अगर हम माउथ में भोजन को चबा लेते हैं, राइट, लेकिन क्या ओसोफेगस में या स्टोमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हम भोजन को चबा सकते हैं? नहीं चबा सकते हैं। तो फिर वहां डाइजेशन होता कैसे है? तो वहां जो डाइजेशन होता है वह आपका इंजाइमों की सहारा से होता है। एक बात आप समझेंगे कि अगर हमारी बॉडी में इंजाइम्स न हो तो एक भोजन को डाइजेस्ट होने में आपका लगभग लगभग जो है सो 7 से 8 महीने का समय लग जाएगा, 7 to 8 month का समय लग जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट जो है सो हमारे लिए डाइजेशन है या इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो सो इंजाइम्स है। बातें समझ में आ रही है? अब अगर देखा जाए तो हमारा डाइजेशन जो है वह आपका 5 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। नंबर एक अगर बात किया जाए तो इंजेशन, दूसरा अगर बात किया जाए तो आपका डाइजेशन, तीसरा अगर बात किया जाए तो एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट एसिमिलेशन एंड नेक्स्ट इजेक्शन। अब एक बात बताओ कि हम आपसे पूछें कि इंजेशन क्या होता है, तो सिंपल सी भाषा में समझो कि इंजेशन जो है उसे हम बोलते हैं कि जैसे ही हम माउथ में कोई भी फूड पार्टिकल को लेते हैं तो उसी प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है? दूसरी बातें अगर बात की जाए डाइजेशन क्या होता है, तो जब वह फूड पार्टिकल छोटे छोटे पार्टों में टूटना शुरू हो जाता है, चाहे वह चेविंग प्रोसेस के द्वारा हो या फिर अगर बात किया जाए इंजाइमों के द्वारा हो, तो उसे हम डाइजेशन बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर बात किया जाए एब्जॉर्प्शन। अब एक बात बताओ, अगर हमने कोई भी चीज लिया, कोई भी फूड पार्टिकल हो, वेज हो या नॉन वेज हो, तो उससे हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ मिनरल्स मिलते हैं, कुछ ना कुछ विटामिन्स मिलते हैं, तो उस मिनरल्स और विटामिन्स को हमारी बॉडी जो एब्जॉर्व करती है और उसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। बात समझ में आई? लेकिन अगर हमारी बॉडी उस मिनरल्स को आपका एब्जॉर्व करती है तो इसका मतलब वो हमारी बॉडी में किसी न किसी का तरह का क्या करता है, काम करता है। एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे हमने बात करें अगर कि कार्बोहाइड्रेट की,
कार्बोहाइड्रेट मान लो हमें ब्रेड से प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट टूटता है किसमें? ग्लूकोज में टूटता है, और इसी ग्लूकोज को हमारी बॉडी एब्जॉर्व करती है। बात समझ में आ रही है? अगर हमारी बॉडी एब्जॉर्व करती है ग्लूकोज को, तो उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, और उसी प्रोसेस को यहां पर हम एसिमिलेशन बोलते हैं। आगे अगर बात किया जाए इजेक्शन की, तो जो भी फूड पार्टिकल हमने लिया है ना, जो भी फूड पार्टिकल लिया, तो सारी चीजों को हम एब्जॉर्व नहीं कर लेती है हमारी बॉडी, उससे जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं, और जब वो हमारी बॉडी से बाहर होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग इजेक्शन बोलते हैं। अब अगर बात किया जाए खास करके कि हमने अभी तक बात किया डाइजेशन के विषय में, हमने बात किया आपका डाइजेशन किन किन प्रोसेस से गुजरता है उनके विषय में, लेकिन एक बात और समझो कि ये जो हमारा ओसोफेगस है, स्टोमक है, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, तो ये पूरी की पूरी नली जो है एक ही पाइप का बना हुआ होता है, बस माउथ से शुरू हुआ और एनस तक जो है वह अलग अलग शेप में बटा हुआ होता है, ठीक है ना, और उसे ही हम लोग जो है सो अलग अलग नामों से जानते हैं, और इसी प्रोसेस को या इस पूरी नली को हम लोग एलिमेंट्री केनाल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री केनाल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अब चलो आगे, ये तो बात सिर्फ डाइजेशन की थी है ना, लेकिन हमने बोला कि डाइजेशन माउथ से शुरू होता है। अगर डाइजेशन माउथ से शुरू होता है तो हमारा माउथ में भी कोई ना कोई प्रोसेस होता है। हमने बोला कि आपका एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो एंजाइमों की भी कुछ भूमिका होगी है ना, तो हम एक एक करके आपसे बात करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आपका माउथ में, सबसे पहले अगर हम बात करें तो माउथ में कि माउथ में क्या प्रोसेस होता है, ठीक है ना, तो सिंपली बात समझेंगे कि माउथ में जो हमारा लार होता है, ठीक है, माउथ में जो लार होता है जिसको कि खास करके हम लोग स्लाइवा बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइवा बोलते हैं। अब एक बात समझो कि क्या हमारी बॉडी में, सॉरी माउथ में जो डाइजेशन होता है 4-5%, क्या वह चेविंग प्रोसेस से होता है या फिर उसमें एंजाइमों की भी कुछ इंपॉर्टेंस होती है? ऐसी बातें नहीं है कि सिर्फ चेविंग प्रोसेस के द्वारा ही होते हैं, उसमें जो है सो कुछ एंजाइमों की भी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले कि हमारी जो लार है जिसको हम लोग स्लाइवा बोलते हैं, ठीक है, इसमें तीन एंजाइम होते हैं। अगर तीन एंजाइम आप जानना चाहेंगे तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो वो खास करके जो है तीन एंजाइम है, पहला टाइलिन, दूसरा माल्टेज और तीसरा लाइसोजाइम। अगर हम बात करें यहां पर तो आपका जो है सो टाइलिन के विषय में, अगर हम बात कर लें ये टाइलिन के विषय में, तो ये टाइलिन जो है ये भोजन को क्या करता है, तो टाइलिन ये भोजन को स्वीट बनाने का काम करता है। आप कभी गौर करना, घर में जब आप रोटी खाते हो तो उस रोटी को आप जितना ज्यादा चबाते हो है ना, तो रोटी जो है सो थोड़ा सा स्वीट महसूस होने लगता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टाइलिन। बात समझ में आ रही है? अब आगे अगर बात किया जाए तो माल्टेज के विषय में, माल्टेज क्या है, तो यहां पर जो है ये माल्टेज है ना। माल्टेज अगर हम आपसे बात करें तो सिंपल सी भाषा में समझो कि जो ये माल्टेज है ना, ये भोजन को हेल्दी बनाता है ना, हेल्दी बनाता है इन द सेंस क्या, वो मजबूत बना देता है, मोटा बना देता है? जी नहीं, हेल्दी बनाता है। इसका मतलब आप ऐसे समझो कि मान लो किसी भी फ्रेंड को आपने ब्रेकफास्ट पर बुलाया, नाश्ते पर बुलाया है ना, लेकिन अगर उस फ्रेंड को सिर्फ रोटी
और सब्जी दिया, लेकिन अगर उसको रोटी सब्जी के अलावे अगर उसको सलाद दे दिया जाए, अगर उसको पिकल दे दिया जाए, तो क्या वो भोजन अच्छा हो जाएगा या वो ब्रेकफास्ट अच्छा हो जाएगा या फिर खराब हो जाएगा? बिल्कुल अच्छा होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि आप फ्रेंड को अगर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया, रोटी और सब्जी को निकाल लिया जाए, सिर्फ पिकल दे दिया जाए, तो क्या वो दोस्त आपका ब्रेकफास्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड आपका माल्टेज, और यही माल्टेज जो है वह भोजन को हेल्दी बनाने का काम करता है। बातें समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट जो आपका इंजाइम है वो कौन? तो नेक्स्ट इंजाइम जो है वो लाइसोजाइम है ना, मैं यहां लिख दे रहा हूं है ना। नेक्स्ट इंजाइम जो है वो आपका लाइसोजाइम। अब ये लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम के विषय में अगर हम बात करें तो सिंपल भाषा में समझेंगे कि लाइसोजाइम जो है वह आपका जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया होता है ना, और इस हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। एग्जाम्पल से आप समझेंगे, आए दिन हम लोग चौक चौराहे पर, खास करके लड़कियों को जब आप देखेंगे तो उनको फुचका बहुत पसंद है। हर एक जगह पर कहीं पानी पूरी भी बोला जाता है। तो जब हम ओपन मार्केट में कुछ भी चीजें खाते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीजें बैक्टीरिया होता है, बहुत सारी हार्मफुल बैक्टीरिया होता है जो हमारे माउथ में चला जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो हमारी माउथ में जाता है तो उसको किल करने का काम कौन करता है, मारने का काम कौन करता है? तो यही आपका लाइसोजाइम करता है। बातें समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें तो इतनी प्रोसेस होने में आपका जो है सो 4-5% का डाइजेशन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ हमारे माउथ में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, आपका क्या आंसर होगा? टाइलिन, माल्टेज, देन आपका लाइसोजाइम। क्लियर है यहां तक? अब इसके अलावे अगर हम आप बात करें, इतनी प्रोसेस जो हमने आपसे बात किया वो सिर्फ आपका माउथ के विषय में बात किया, जहां पर मात्र 4-5% 4-5% डाइजेशन होती है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो ये कि हमारा भोजन जो है इस माउथ के सहारे आपका इस ओसोफेगस में आता है। यहां पर क्या है? ओसोफेगस बना हुआ है, जो यहां पर लिखा हुआ भी है। अब ये ओसोफेगस में हम आपसे पूछें, और कई एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्या ओसोफेगस में आपका किसी भी प्रकार की डाइजेशन होती है? हाँ, यस और नो, आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन में दे देता है, माउथ, ओसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, या ऑल ऑफ एबव या नॉन ऑफ दिस। आप क्या आंसर करेंगे? आप सिंपल आप बात समझो कि इस ओसोफेगस में किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है। अगर हम आपसे पूछें कि अगर यहां डाइजेशन नहीं होता है तो क्या यहां पर कोई एंजाइम मौजूद होगा? बिल्कुल नहीं। इस आपका जो ओसोफेगस है, जो हमारा यहां से यहां तक एक आपका बना हुआ पाइप है, एक नली है, जिसको कि हम फूड पाइप भी बोलते हैं। आगे हम आपको बात करेंगे इसी फूड पाइप के विषय में, ठीक है। लेकिन इसी फूड पाइप के बाद आपका और भी स्टेप है, स्टोमक है, अगर बात करें तो यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर बात करें यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसके बाद एनस का पार्ट होता है ना। तो हम एक एक पार्ट को बात करेंगे। अभी जो मैं आपसे बात किया वह सिर्फ और सिर्फ जो है सो माउथ में हमारी भोजन का क्या क्या प्रोसेस होता है, मैं उसके विषय में बात की है ना। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो हम आपसे बात करेंगे वो ओसोफेगस के विषय में और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के विषय में, कि यहां पर क्या क्या प्रोसेस होता है।
है ना। और कैसे हमारा भोजन छोटे छोटे पार्टों में टूटता है और वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन कुछ अराइज होते हैं, हम उसको एक एक बात करेंगे। और जैसे ही ये डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होगा, जो भी चैप्टर से कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपका अराइज हुए हैं, मैं उसके विषय में बात करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू, आज तक यहीं तक है, नेक्स्ट हम अगले क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।